उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा माफिया अतीक का बेटा आखिरकार मिट्टी में मिल ही गया। यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद को झांसी में एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर में सिर्फ असद ही नहीं बल्कि उसका साथी शूटर गुलाम भी मारा गया। जब यूपी एसटीएफ ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया उस वक्त माफिया अतीक अहमद प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पेशी के लिए सीजीएम कोर्ट पहुंचा था। अतीक जज के सामने सवालों के जवाब दे ही रहा था कि उसे उसके बेटे असद के एनकाउंटर की खबर मिली, जिसके बाद माफिया अतीक जज साहब के सामने ही फूट फूट कर रोने लगा, जिसके बाद अतीक अहमद कोर्ट से बाहर निकला और भावुक होकर बेटे की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। फिर अतीक को प्रयागराज कोर्ट से नैनी सेंट्रल जेल ले जाने की तैयारी हुई तो अतीक ने रोते हुए अपने बेटे को कहां दफनाए जाने को लेकर सवाल किया। साथ ही ये गुजारिश भी की कि मैं अपने बेटे की मिट्टी में जाना चाहता हूं। माफिया अतीक ने प्रशासन से बेटे की मिट्टी में जाने की व्यवस्था कराई जाने की अपील भी की। बता दें कि माफिया अतीक के बेटे के एनकाउंटर की खबर के बाद से अतीक का पूरा परिवार सदमे में है। वहीं माफिया अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। इस मीटिंग में सीएम योगी ने सबसे पहले एनकाउंटर में शामिल एसटीएफ की टीम के काम की सराहना की, जिसके बाद प्रमुख सचिव की तरफ से योगी को एनकाउंटर से जुड़ी जानकारी दी गई। इस पूरे मामले में सीएम योगी के समक्ष एक रिपोर्ट भी पेश की गई। इस एनकाउंटर के बाद सीएम योगी ने यूपी एसटीएफ के साथ साथ डीजीपी, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था और पूरी टीम की काम की तारीफ कर उनका हौसला भी बढ़ाया। पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर के दौरान असद और शूटर गुलाम को सरेंडर करने को कहा गया था, लेकिन दोनों ने एसटीएफ की टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों शूटरों को ढेर कर दिया गया। बता दें कि माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब तक फरार चल रही है, लेकिन अब बेटे की मौत के बाद ऐसी आशंका है कि वो जल्द ही यूपी पुलिस या कोर्ट के सामने सरेंडर कर सकती है।